श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की अगर पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और कुछ ऐसे उपाय करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए आज आपको एक उपाय बताने वाले हैं जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और एक कटोरी में जल ले लेना है। हल्दी को जल में मिलाना है। मिलाने के बाद उसे पानी की सहायता से घोलना है अच्छी तरीके से। अब इस हल्दी से आपको अपने घर के बाहर जो मेन गेट रहता है सबसे बाहर का, उसके पास जाना है। दोनों तरफ पहले ज़मीन पर छोटे छोटे माता लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने हैं, माता लक्ष्मी के पैरों की छाप बनानी है। उसकी डिज़ाइन आप इस तरीके से बना सकते हैं। और उसके बाद मेन गेट के दोनों तरफ आपको दो स्वास्तिक बनाने हैं, एक स्वास्तिक दाएं में और एक स्वास्तिक बाएं में। देवी माँ का नाम लेते जाएं और आप यह चिन्ह बनाते जाएं। देवी माँ आपके घर को धन धाने से भर देंगी। यदि आप यह उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम की पूजा के पहले कर सकते हैं। आप यह उपाय करें और ध्यान रखें माता लक्ष्मी की, जिस पर माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है, उनकी तस्वीर या फिर मूर्ति की आप जरूर पूजा करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में विराजमान हो, हमारा घर धन धाने से भरें, हमारी दुख तकलीफें दूर करें। ऐसा करते ही आपको शीघ्र ही फल मिलेंगे। यदि आप दिल से पूरी श्रद्धा से इस कार्य को करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी धन धान से कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। आपका धन और भंडारा हमेशा भरा रहेगा, तिजोरी भर देंगी। तो दर्शकों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन उपायों को भी देखिएगा, अपने जीवन में आजमाइएगा, आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। और भी कई समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी इन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वे भी अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।